मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। बाइबल में परमेश्वर के भक्तों के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं ना? उनके जीवन में बहुत परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। उसमें यूसुफ करके एक नौजवान, उस जवानी उम्र में बहुत सारे परीक्षाएं और पीड़ाएं भी, वो बेगुनाह है, कुछ भी गलती नहीं किया है। अब जीवन खत्म हो गया, लाइफ खत्म हो गया, बाहर नहीं आ सकते हैं। वहां से देश के ऊंचे पद में परमेश्वर उनको खड़ा कर दिया है। पूरा मिश्र देश में फिरौन से और आगे उस स्थान पर आ गया, पूरे देश को नियंत्रण करने जिम्मेवारी के प्रभु ने दिया। इस प्रकार का अद्भुत उनके जीवन का होने का कारण क्या है? उत्पत्ति 39वां अध्याय उसका दूसरा वचन में है, परमेश्वर यूसुफ के साथ था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया था। प्रभु साथ में रहने से कामयाबी, प्रभु साथ में रहने से पीड़ा से बाहर निकल सकते हैं, प्रभु साथ में रहने से ऊंचे होंगे, प्रभु साथ में रहने से पूरा देश का आशीष का कारण होंगे, प्रभु साथ में रहने से असंभव भी वो संभव भी हो जाएगा। हमें सिर्फ यही मालूम है यूसुफ जो है बंदीगिरदी में था, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद में लिखा इट वॉज अ डंजन। मिस्र देश में किसी को बंदीगिरदी में डाल दिया, बस उसका जीवन पूरा समाप्त हो गया। मृत्यु समय तक तो डंजन में ही रहना है, उसमें से बाहर निकल नहीं सकता। सबने उसी को सोचा था, लेकिन परमेश्वर उसमें से बाहर निकाल के देश के ऊंचे पद में वो रखा है। परमेश्वर से ही संभव है। यूसुफ ने परमेश्वर को हमेशा अपना संग उसने रखा है। पराया देश में बेच जाने के चलते भी उसने परमेश्वर को अपने साथ रखा था। डंजन में डालने के बावजूद भी परमेश्वर यूसुफ का संग रहा था। परमेश्वर की अप्रिय की बातों को नहीं करूंगा, महापापों को भी मैं नहीं करूंगा करके अपने आप को पवित्र रखा था। अच्छे मन को देके परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। आप भी यूसुफ के समान रहने के लिए अर्पण करेंगे, परमेश्वर का दुख करने के लायक कुछ भी नहीं करूंगा, आंख की अभिलाषा शरीर की अभिलाषा को मैं पूरा नहीं करूंगा, उनको दुख देने की बातों को जगह नहीं दूंगा, परमेश्वर सिर्फ मेरे संग रहने से काफी है, बोलिए वो साथ रहने से कार्य पूरा होगा। पढ़ाई, काम, बिजनेस, कुछ भी कार्य को परमेश्वर पूरा करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। ठीक है, ऐसे अर्पण करेंगे। खुदावन, यूसुफ के समान जीने के लिए मैं अर्पण करता हूँ पिता, पाप से दूर करने के लिए, पापों के चलते मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करना, इस बात के लिए मदद कीजिए। अशुद्ध बातों से शुद्ध रहने के लिए मैं अपने आप को आज प्रभु जी मैं अर्पण करता हूँ। तू मेरे संग हमेशा रहना, यूसुफ के समान उनके कार्य को तू पूरा किया, वैसे मेरे कार्य को पूरा कर, मेरे पढ़ाई में, काम में, बिजनेस में, सारी बातों में मेरे संग होके तू पूरा करने वाला प्रभु है। मैं अपने आप को आज अर्पण करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।